ये देखो भैया सैंडविच, और इस बारिश के मौसम में हल्की हल्की बारिश में सैंडविच खाने का अपना ही अलग मजा है। कहाँ पर आए हैं, क्या क्या चीज़ें सैंडविच में पड़ती हैं, क्या टाइमिंग है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सब कुछ बताऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया, और भैया आज हम घूमने के लिए आए हैं किदवाई नगर के साइड नंबर 1 के चौराहे पे। यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा फेमस कार्ट है पिज़्ज़ा का, आइए आपको इनकी लोकेशन दिखाते हैं। ये देखें, ये साइड नंबर 1 का चौराहा है, और इससे सामने जस्ट यहां पीछे फेमस पिज़्ज़ा। ये देखिए कार्ट बहुत सुंदर सा लगा हुआ है, बढ़िया, यहां बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आइए दोस्तों मिलते हैं फेमस पिज़्ज़ा के कार्ट के जो ओनर हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? बिट्टू झा। बिट्टू झा, ठीक है भैया। ये शॉप आपकी कब से है यहाँ पे? यहाँ हो गए 5 साल। 5 साल, क्या टाइमिंग होती है शॉप की? 1:30 बजे से खुलती है। 1:30 बजे से 10:30 बजे बंद हो जाती है। रात को 10:30 को बंद हो जाती है, ठीक है। भैया क्या क्या मिलता है यहाँ? सबसे पहली बात तो यहाँ पे पिज़्ज़ा, मोमोज पिज़्ज़ा है फेमस, और सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं जी। मोमोज पिज़्ज़ा बनाने लगे मैंने, 1.5-2 साल हो गया। अच्छा, मोमोज पिज़्ज़ा बनाते हैं आप? और ड्राई तंदूरी मोमोज बनाते हैं, और सैंडविच 2-3 प्रकार का बनता है, ड्राई सैंडविच बनता है, चीज़ सैंडविच बनता है। ठीक है जी, तो भैया आज हम आपके पास यही सब चीज़ें ट्राई करने आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमको कुछ एक ऐसी डिश बना के दिखाएँ जो आपकी बहुत ज़्यादा चलती हो। सैंडविच बनता है, ठीक है। हम दोस्तों अब सैंडविच की मेकिंग देखेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेटअप है भैया का, बहुत बढ़िया सा, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ है यहाँ पर। ये भैया ब्रेड है? ब्रेड, ये ब्रेड पे ये आपने क्या लगा दिया? ये चीज़ है, ये चीज़ लगा दिया है। आप बताते जाइए जो जो लगाते जाए। ये चीज़ है हाँ, और इसके बाद में ओनियन डाल दिए हैं, ये इस पर ओनियन डाल दिया, ठीक। इसके बाद में कैप्सिकम टमाटो, ठीक है जी। इसके बाद में कॉर्न, स्वीट कॉर्न डाल दिया, फिर इसके ऊपर से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, सैंडविच को फोल्ड कर दिया है, और ये पुदीना का चटनी, हरी चटनी है। इसमें घर पे ही बनाते हैं ये? अच्छा, अपने घर ही पर बनता है। पुदीना मिला हुआ है, कच्चा अमरूद भी मिले हुए, बहुत तरह के इसमें प्रकार के सामान। और क्या लगाएंगे? ये इमली का सॉस है, ये इमली का सॉस जी। दोस्तों देखें काफ़ी कलरफुल हमारा जो सैंडविच है बन रहा है, ये पिज़्ज़ा सॉस भी लगा रहे हैं, बढ़िया। पपीता की ग्रेवी है, पपीता ग्रेवी, पपाया। तो दोस्तों ये एकदम नई चीज़ मैंने यहाँ पे सुनी है, पपीता ग्रेवी यहाँ पे भैया लगा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छे से है यहाँ पे, फिर से ये, फिर से अनियन डाला, टमाटो, लिक्विड चीज़, लिक्विड चीज़। ये देखिए दोस्तों अच्छे से चीज़ को डाला हुआ है भैया ने, भर भर के, कोई भी चीज, ठीक है जी। और ये क्या चीज़ है? मसाला, ये मसाला, चाट मसाला आप डाल दिया, फिर इसके ऊपर से भी मसाला पड़ेगा, ठीक है जी। इसके ऊपर से ऑरिगेनो है, ये ऑरिगेनो डाल दिया आपने, ऊपर से भी चीज, मोजरेला, ये मोजरेला चीज़ डाल दिया आपने, ठीक है। फिर इसके ऊपर से ये इसको बंद फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके इसको साइड साइड कट कर रहे हैं। तो ये सैंडविच कितने रुपए का आता है आपका? ये 50 है। हाँ, 50 रुपीज़ का एक सैंडविच आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसे ये देखिए पूरा अच्छे से कट कर दिया भैया ने, ये सैंडविच, ये सैंडविच पूरा बन रहा है, कितना अच्छे से सारे कलर्स इसमें निकल के आए। आप इसको ग्रिल करेंगे जी? ये इस पर आप अमूल मक्खन डाला जा रहा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अमूल मक्खन को डाला है यहाँ पे, और उसको ग्रिल करने जा रहे हैं हमारा सैंडविच, ठीक है जी। दोस्तों ये देखिए हमारा सैंडविच निकल के आ गया है ओवन से, और भैया ने हमारी एक प्लेट लगा दी है। प्लेट में किस तरह की भैया चटनी है बताइएगा जरा? ग्रिल है, ग्रिल सैंडविच है, वाइट सॉस है, इमली के सॉस है, इमली वाला मीठा मीठा सॉस, तीनों चटनी के साथ ये सैंडविच आप सर्व करते हैं, ठीक है जी। दोस्तों ये देखिए हमारी सैंडविच की प्लेट लग गई है, जिसमें 3 तरह की उन्होंने चटनी दी है,
और काफ़ी अच्छे से ग्रिल करके हमारा सैंडविच दिया है। ये देखिए, आइए इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं सैंडविच कैसा बना हुआ। आइए दोस्तों, ये जो सैंडविच हमारा बन करके आ गया है फेमस पिज़्ज़ा वालों का, आइए इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना हुआ है। इसमें तीन तरह की चटनी है, जैसे ग्रीन चटनी, ये इमली की चटनी और ये थोड़ा वाइट चटनी, ये मेहनत है, इसे खाते हैं। मसाले भरे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब इंक्रेडिबल बना हुआ है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप किदवाई नगर में साइड नंबर 1 चौराहे की तरफ से गुजरे तो ये जो फेमस पिज़्ज़ा कार्ट है इस पर ज़रूर आए और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।